मात पिता मेरा बेरी बनगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाई, बिल्कुल नहीं पढ़ाई, करके सगाई छोटी सी ने अनपढ़ के संग ब्याई, अनपढ़ के संग ब्याई, रोटी चूल्हा पे से जी। राम राम सा मंजू शेषमा व्लॉग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। तो थाना आज सू मेरा जगह डेली रूटीन का काम है वह दिखाबो स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग में, ताकि माखीज की शेखावटी क्षेत्र की गाँव की जी डेली रूटीन है बात है भी देख सको। तो मैं जा रही हूँ अब घास बरोटी लेबाने, मतलब पशुआ के लिए घास लेबाने बरोटी। तो थाने दिखावा आज की मैं कहीं साबुन घास बरोटी कराँ और कहीं साबुन ग्रां लेवा हाँ। तो अब बज रहे हैं 5:30 और मतलब थोड़ी धूप कम होगी, देखो थोड़ी कम है, यहाँ तो तेज़ धूप पड़े और गर्मी बहुत रहे, तो बाजरा कमाने बहुत ही तेज़ गर्मी लगे। तो अब मैं जा रही हूँ 5:30 क्योंकि थोड़ी धूप कम होगी। तो चरा रही बकरियाँ देख लो, कुर्सी ले रही बैठी इठे, तो वो भी माखो ये काम ही है, 13 बकरियाँ चरा पाखो। तो 13 का ही स्कूल में स्कूल की छुट्टी हो जाए टाबरा की, तो टाबर चरा ले हमें होमवर्क कर करार बाद में को खेल कूद भी हो जाए थे और बकरियाँ भी चढ़ ले, सारा ही काम हो जाए। हाँ जी मैं आएगी बैठे, वो खेत है ग्राउंड थोड़ी सी दूर है, मतलब काफ़ी दूर है, तो एक मायनों घास ले जावा अठे कोई मतलब भी यहाँ कोई रेडी रेडी लिया कौन सका, क्योंकि अठे गिला के मायने बाजरों बीज मान लिया ताऊ जीर के, तो भी मायने आ कौन सका, तो अठे सिर पर बारो ऊँचा ले जानू पड़ा इस गाँव और वो खेत है इसको। मैं यही वजह से बवा कि भाई ढंडन घास गाल दे, वहाँ कमाए घास काफ़ी हुआ है घराना कमाए घास कौन हुआ बिल्कुल भी, तो यही वजह से बवा तो कमाए देख लो घास बहुत है, नीनान कौन करा इको ताकि घास ले जाए वहाँ ढंडा थाने। तो और देखो घास है बहुत सारो, तो मैं अब काट सी घास तान दिखा दी, मैं कैमरा ऑन कर पहले घास का तोक है बाद में घास काट सी। और देखो और वो बाजरो है ना वो भी यहाँ छिदो छिदो है बाजरो, तो ये कमाए ने मतलब सिट्टा भी आओ लगा इसके भी। आ देखो ये सिट्टा कहते जो कुंकुम आएगी कुंकुम बोलिया कर कुंकुम, अभी का मान दाणू फटबो चालू जी। हाँ देख लो तो तुम घास दिखावा पहली और अठे को व्यू भी दिखावा, बहुत शानदार व्यू आवे अठे को। और देखो वो घास है अब तो मकड़ो है इन मकड़ो बोलिया करे, देखो इन बोले मकड़ो वही टाइप को घास है इन मकड़ो बोले है, और वो जो ई टाइप को घास है वो देखो ई टाइप को घास है इन बोला मोरिया बाटी, वो ही है मकड़ो और मोरिया बाटी है इस जगह। और अब ताने व्यू दिखावा और देखो बाजरो बाजरो भी ठीक ठाक है थे और घास भी है, और देखो व्यू देखो थे तो शानदार आ रहे इस जगह। बादल इसका लाग रही है जानी कोई पर्वत है ये तरीका का। आ देखो चारों तरफ आए दाती यूं काटा घास, तो अब काट रही हूँ घास, देखो आई तरीका हूँ घास काटा बार तुरंत बरोटी कर लिया, 20 मिनट के बाद 2 बरोटी कर ले जाऊँ मैं इस गाँव, दिन की 5 या 6 बरोटी ले जाऊँ ढंडा तन, वो जो घास है वो 2 महीना हम सारो सलटा ली सियाँ बडो लेर काट ली सियाँ। आ देखो सपना जी ये भी आया है साथ में, और कैमरा मैन दिखाऊँ थाने आरी मनीषा कैमरा मैन, ए देखो निचन से बड़ा बदमाश अनीसा जी ये साथ में ही है, ताकि मतलब क्लिप कर एड कर ले वीडियो की, तो इस वजह से आने में बुला ले या मतलब ये बाजरा की थोड़ी सी खाज खुज तो एलर्जी हुआ है मेरे भी हुआ है, ताकि इसलिए वो लम्बी वहाँ को जो शर्ट है वो पहन रखे हूँ मैं बाजरा मावा ने जना वो पहन रहा हूँ, ताकि मतलब कुछ खाज खुज एलर्जी कौन हुआ है। देखो कैमरा मैन
घास की बरोटी कर ली। आ देखो नीचे दिखाओ आ पड़ी, आ देखो, आ देखो गुल्ला खा रही। बाजरा का डोका तोड़ तोड़ खाई गए, मीठा लगे मने भी अभी मीठा हुआ है ये खेत का जगह बाजरा का डोका ही मीठा ही, क्योंकि अठे मतलब वो गोबर को खाते हैं ना वो घेरा को नहीं इस जगह और ना ही यूरिया देवा यही वह तो ए डोका इस मीठा ही तो अने लागे चौका तो खा रही है बेटी बेटी। तो मैं भी तो हर एक कॉमेंट को जवाब देवा की कोशिश करूँ, पर फिर भी अगर कोई कॉमेंट को जवाब नहीं दे पाऊँ तो भी के लिए सॉरी, क्योंकि मतलब बहुत बिजी लाइफ है भी कमाए ने बहुत सारा काम हुआ है तो कई कई बारियां भी जाएगी कमेंट कोई छूट जाए है तो भी के लिए सॉरी। और मैं आ देख ना एक दो तीन दिन पहले भी देखी एक न्यूज़ के माए ने देखी एक लड़की है जिसकी छोटी सी जन्म देता है इन्हें झाड़ियाँ के माए ने फेंक दी। तो देखो कियान कियान का माँ बाप हैं जिसका मतलब लड़की पैदा हुई तो मैंने फेंक दी, समझ में को नहीं आ रही मतलब फिर मैं ये फेंके हैं लड़की न चाहें तो भी पैदा ही क्यों करें, फिर अगर लड़की नहीं उसी तो फिर बीननी खटेऊँ ऐसी ही बुआ। लेकिन लोगों का आवाज़ समझ में को नहीं आवे क्योंकि जन्म ली और फेंक दे, कोई खटे छोड़ दे, कोई खटे हॉस्पिटल में छोड़ देवे, खटे कोई रेलवे स्टेशन पर छोड़ देवे, कोई बस स्टैंड पर छोड़ देवे, कोई और न तो झाड़िया में फेंक देवे, कम से कम भी इन खटे कोई सुरक्षित जगह तो छोड़ सकाने, अगर मन छोड़ना ही हो तो भी या तो छोड़ना भी नहीं चाहिए आपकी औलाद ने कदे भी। लेकिन भाई यहाँ की माँ है तो भी भाई आपकी औलाद ने छोड़ दी तो भी ने मतलब झाड़िया में तो क्यों फेंका ही बेचारी, इन कांटा के माँ ने क्यों फेंकी। पर फिर भी देखो दुनिया में बहुत तरह का इंसान हुआ, आप कुछ बोल कौन सका, कोई की सोच है वह सुधार कौन सका भैया। तो आप ये बोलना कि लड़का और लड़की का माने भेदभाव कौन करे, पर देखो आज भी अपना देश का माने 50% लोग हैं जिसका लड़का और लड़की का माने भेदभाव करे हैं, और बन लड़कों ही चाहिए लड़कियों कोई मतलब को नहीं, भलाई वगैरह बीननी तो वे सब चाहे लेकिन लड़की कोई कौन सा हुआ पैदा करबो और बिन पाड़ पोस पर बड्डी करबो कोई कौन सा हुआ, क्योंकि सब लड़की ने बहुत समझें कि भाई लड़की बड्डी उसी तो अपन ब्याह करना पड़सी, दहेज देना पड़सी, मतलब जस्यो भी देवे नॉर्मल पर वो भी देना पड़सी, और लड़की हमेशा ही बाप के ग्राउंड ले जाए लोगों की सोच आ है बा लड़की ले जाए अपन बा लड़की अपन कदे यार पूछे तो हने भाई दे दोरा हो सोरा हो सुखा हो दुखा हो, लड़का तो आजकल शादी करता करिया बाद में पूछे भी कौन, जितना दिन शादी नहीं उसी बता दिन माँ बाप का लाडला ही, ये दिन शादी जाई बाद में भी बात ही कौन करे अपन। मने मारी माटी माथा सूगे रू